कि सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि जेल से सरकार चला हुआ, इसका मतलब था कि गद्दी से चिपका रहूंगा, सत्ता को छोड़ूंगा नहीं, सत्ता के सुख को भी नहीं छोड़ूंगा, सत्ता के कारण जो विलासिता है उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। और उसका नतीजा क्या हुआ, दिल्ली में सरकार नाम की चीज नहीं थी, कुशासन था और भ्रष्टाचार था, लूट मची थी, थोड़ी सी बारिश में 50 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। इन मौतों की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी है। साथियों, ये जो रेजिग्नेशन है ये भी एक छलावा है, ये मजबूरी में दिया गया रेजिग्नेशन है। ये चारों तरफ से घिर गए तो सत्ता का त्याग नहीं किया, सत्ता छोड़नी पड़ी, सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और इससे ये सिद्ध हो गया कि ना जेल से सरकार चल सकती है ना बेल से सरकार चल सकती है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के बारे में ये उनकी उपलब्धियां हैं, वैसे ही जितने भी उनके डिपार्टमेंट हैं उस सब में वो भूल रही है। एक फेल मंत्री को मुख्यमंत्री बनाकर और उसको भी रिमोट से चलाकर, एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उसको भी रिमोट से चलाकर आखिर क्या साबित करना चाहता है। मैं दिल्ली के खास तौर से सभी युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि अब उनकी इस तरह के नाटक में कि वो आम आदमी पार्टी आम आदमी बन गए दोबारा, उन्होंने त्याग कर दिया, वो कोई त्याग नहीं कर रहे, वो फिर एक नौटंकी, एक ऐसी नौटंकी करेंगे जो इस बार दिल्ली में नहीं चलेगी। हम सब मिलकर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा फिर दिल्ली में शराब की दुकानों पे एक के साथ एक फ्री हो, रिक्शे वाला एक क्वार्टर की जगह दूसरा क्वार्टर लेके जाए और एक क्वार्टर पिए और एक क्वार्टर तकिया के नीचे रख के रात को फिर पिए, तो इस तरह से नौजवान पीढ़ी हमारी खराब हो जाएगी। हम ऐसे लोगों को अपनी सरकार, अपने प्रदेश की सरकार नहीं दे सकते।